भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पालमपुर में भारतीय राष्ट्रीय पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 29 दिसंबर को किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सभागार में आयोजित किए जाने वाले अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक भी शिरकत करेंगे। ये बात भारतीय राष्ट्रीय पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पालमपुर में कही। घनश्याम शर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में 22 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में पेंशनरों के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पेंशनर कल्याण बोर्ड के गठन का मुद्दा सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही JCC गठन व कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की बात भी उठाई जाएगी। HRTC से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुचारू पेंशन व्यवस्था पर भी बात की जाएगी। घनश्याम शर्मा ने बताया कि 28 दिसंबर को भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की बैठक धार में होगी। पालमपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मातृशक्ति दुर्गा बहनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट के समर्थन में रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मातृशक्ति दुर्गा बहनी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपक्ष द्वारा देश भर में एक्ट का विरोध करते हुए राजनीति करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार प्रांत सह प्रमुख राजेश ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट के समर्थन में रैली निकाली गई है। केंद्र सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया है उसका एक लक्ष्य जो तीन देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं क्यों नहीं उनको भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री से समझौता किया गया था कि अगर अल्पसंख्यकों को कोई समस्या होगी तो इसका भारत साथ देगा। साथ में सरकार द्वारा जो NPR को शुरू किया जा रहा है वो जनसंख्या की गणना की दृष्टि से शुरू कर रही है तथा विपक्ष और टुकड़े गैंग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अगर जनसंख्या की गणना नहीं होगी तो देश में योजनाएं कैसे शुरू हो पाएंगी। राष्ट्रहित में रखते हुए इन सभी मुद्दों को सरकार लागू करे। हम सभी सरकार का समर्थन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मातृशक्ति दुर्गा बहिनी ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाए जाने की मांग की। कम कपात देने वाली ठंड के मध्य ऊपरी शिमला और आसपास के चर्चों में क्रिसमस का त्योहार ईसाई समुदाय ने बड़े दिन के रूप में धूमधाम से मनाया। रामपुर के ग्रेट कमीशन प्रेयर फेलोशिप चर्च में सुबह से ही नाच गाने का दौर चलता रहा। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों से खूब मनोरंजन किया गया। साथ ही यीशु की महिमा से जुड़े गीत भी प्रस्तुत किए गए। दोपहर बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने मिलकर क्रिसमस केक काटा और सबको क्रिसमस की बधाई दी। रामपुर निर्मंड किन्नौर और आसपास के चर्चों से आए पास्टर ने यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों ने भी नृत्य कर खूब मनोरंजन किया। पास्टर कमलेश नेगी ने बताया कि ग्रेट कमीशन प्रेयर फेलोशिप चर्च ने हर्षोल्लास के साथ यीशु के जन्मदिन को मनाया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए केक काटकर खूब खुशियां मनाई गई। इस दौरान यीशु की महिमा से जुड़ी विभिन्न प्रस्तुतियां भी की गई।